अलगाववाद और खालिस्तान आंदोलन के कारण भारत और कनाडा के रिश्ते निचले स्तर पर पहुंच गए हैं, लेकिन ये पहली बार नहीं है जब ऐसा हुआ है। इससे पहले भी कनाडा ने कई बार खालिस्तानियों का बचाव किया है। 1982 में जस्टिन ट्रूडो के पिता और तत्कालीन कनाडा के प्रधानमंत्री पियर ट्रूडो के कार्यकाल के दौरान भी भारत कनाडा के रिश्ते खराब हुए थे। 45 साल पहले खालिस्तान की मांग कनाडा में कैसे शुरू हुई और कनाडा के तत्कालीन प्रधानमंत्री पियर ट्रूडो और भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का इससे क्या कनेक्शन है। खालिस्तान बनाने की मांग की जड़ें ब्रिटिश काल की नीतियों से जुड़ी हैं। ब्रिटिश राज के खिलाफ आवाज उठाने वाले हिंदुओं को खत्म करने के लिए अंग्रेजों ने बड़ी संख्या में सिखों को सेना में भर्ती किया था। फिर जब 1947 में देश आजाद हुआ तो पंजाब और केंद्र सरकार के बीच तनाव उजागर हुआ, जिसने कई सिखों के मन में सरकार के खिलाफ रंजिश पैदा कर दी। 20वीं सदी में सिखों ने कनाडा का रुख किया और धीरे धीरे उधर शिफ्ट होने लगी। ब्रिटिश कोलंबिया से गुजरते हुए सेना के जवान कनाडा की उपजाऊ जमीन की ओर काफी आकर्षित थे। 1970 तक सिखों की बड़ी आबादी कनाडा में बस गई। जैसे जैसे सिखों की संख्या बढ़ने लगी, खालिस्तान आंदोलन के बीच भी यहां पनपने लगी। 1980 से 1990 के दौरान खालिस्तान आंदोलन देश में पीक पर था और बमबारी, हत्याएं, किडनैपिंग, लक्षित हत्या और नागरिकों के नरसंहार की घटनाएं देखने को मिली। 1982 में जस्टिन ट्रूडो के पिता पियर ट्रूडो कनाडा के प्रधानमंत्री थे। भारत ने 1982 में कनाडा से खालिस्तानी आतंकवादी तलविंदर परमार को भारत को सौंपने का अनुरोध किया, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री पियर ट्रूडो ने इससे इनकार कर दिया। तलविंदर सिंह परमार भारत में मोस्ट वांटेड आतंकवादी था। भारत के प्रत्यर्पण अनुरोध को ठुकराने के बाद इसी आतंकवादी तलविंदर सिंह ने 1985 में एयर इंडिया के कनिष्क विमान को टाइम बॉम्ब से उड़ा दिया था। इस दर्दनाक हमले में विमान में सवार सभी 329 लोगों की मौत हो गई थी। ये फ्लाइट टोरंटो से नई दिल्ली की ओर जा रही थी। मरने वालों में 82 बच्चे शामिल थे। कनाडा के इतिहास में ये सबसे दर्दनाक हमलों में शामिल है। एयर इंडिया का ये हादसा 9/11 हमले से भी ज्यादा बड़ा था। बता दें, हमले के एक साल पहले परमार ने इसके संकेत देते हुए एक सम्मेलन में अपने समर्थकों से कहा था कि भारत के जहाज आसमान से गिरे, लेकिन इस पर कनाडा की सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया और उसे भारत को नहीं लौटाया, ये कहते हुए कि ऐसा कोई प्रोटोकॉल नहीं है। 1992 के आखिर तक जहां भारत में खालिस्तान आंदोलन अपने अंतिम चरण के करीब था, वहीं कनाडा भी तेजी से बढ़ रहा था। साल 2015 में जस्टिन ट्रूडो के सत्ता में आने के बाद खालिस्तान की मांग फिर से तेज होने लगी है और आए दिन खालिस्तानी समर्थक इस मांग को लेकर प्रदर्शन भी करते हैं। कई खालिस्तानी समर्थक समूह भी ट्रूडो की लिबरल पार्टी का समर्थन करते हैं।